नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की रेसिपी है बड़ी मज़ेदार, जिसे एक बार बना लो और साल भर के लिए इस रेसिपी का मज़ा लो। तो बनाएंगे कच्चे आम का शरबत प्रीमिक्स, जिसे हम सिर्फ 3 चीज़ों से बनाएंगे और आप इसे एक साल के लिए बिना फ्रिज के रख सकते हो। इसके लिए मैंने 2 बड़े और 2 छोटे कच्चे आम लिए हैं। आम को धोकर कपड़े से साफ कर लिया है और इसे छील लेंगे। इस तरह से सारे आम को हम छील लेंगे। मैंने सारे आम को छील लिया है, इसे अब हम कट कर लेंगे। इसे हम छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे और गुठली को निकाल लेंगे। आम के छोटे छोटे टुकड़े करने से आसानी से पीस जाएंगे, इसलिए इसे छोटे टुकड़ों में कट करना ज़रूरी है। अब एक मिक्सर जार में थोड़ा थोड़ा आम डालेंगे। आम को ज़्यादा मत भरे। आम के साथ 2 चम्मच जिंदा पानी मिलाएंगे और इसे हम पीस लेंगे। पानी ज़्यादा मत यूज़ करें। तो आप देख सकते हो आम की पेस्ट बन गई है। इसे अब हम एक साफ कपड़े में डालेंगे और आम का रस निचोड़ लेंगे। इस तरह से मैं सारे आम को पीस लूँगी और आम का जूस निकाल लूँगी। तो तैयार है आम का जूस। अब क्या करना है, हमें सेम साइज़ की 2 कटोरी लेनी है, जिससे हम जूस और चीनी को नापेंगे। आम के रस को मैं कटोरी में डालूँगी, तो 1 कटोरी रस है। तो उस हिसाब से हमें यहाँ पर 2 कटोरी चीनी मिलानी है, मतलब कि आम का रस जितना है उससे 2 गुना चीनी हमें मिलानी है। इसे हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 2-3 बूंद ग्रीन कलर मिलाएंगे। ये ऑप्शनल है, कलर डालने से शरबत देखने में अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। चीनी को हमें पिघलाना नहीं है, बस हल्का सा ही मिक्स करना है। अब थाली लेनी है और इस मिश्रण को हमें इस थाली में डालना है। मैंने यहाँ पर 2 थाली ली है। आप रस की क्वांटिटी के हिसाब से थाली लेना। थाली में जूस का लेयर पतला ही रखें ताकि जल्दी से सूख जाए। अगर लेयर मोटा होगा तो सूखने में ज़्यादा टाइम लगेगा। और हाँ, इसे हमें धूप में नहीं सुखाना है, पंखे के नीचे ही सुखाना है। तो 2 दिन में यह सूखकर तैयार हो जाएगा। 1 दिन के बाद इस तरह से सूख जाएगा। ये ऊपर से ड्राई लगेगा लेकिन अंदर से गीला होगा। तो इसे चम्मच से चला ले और फिर से थाली में इस तरह फैला ले और 1 दिन के लिए सूखने दे। तो 2 दिन के बाद कुछ इस तरह से सूख कर तैयार हो जाएगा। तो आप देख सकते हो ये बिल्कुल ड्राई हो गया है। अब हम इसे पीस लेंगे। इस तरह से इसे हम थोड़ा थोड़ा मिक्सर जार में डालकर पीस लेंगे। तो आप देख सकते हो कच्चे आम का पाउडर रेडी हो गया है। ये प्रीमिक्स पाउडर एकदम टेस्टी है और इसे बनाना भी एकदम आसान है। तो तैयार है हमारा कच्चे आम का प्रीमिक्स। इसे आप कांच की बोतल में भर कर स्टोर कर ले। इसे फ्रिज में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे बाहर ही रखो। तो अब हम कच्चे आम का शरबत बनाएंगे। इस शरबत को आप उपवास में भी पी सकते हो। तो बनाने से पहले थोड़ा सा आइस डालें। मैं एक ग्लास में सिंपल शरबत ही बनाऊंगी। तो इसमें मैंने 2 चम्मच प्रीमिक्स डाला है। इस पाउडर को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो।
इस शरबत में आप जल जीरा, चाट मसाला, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, काला नमक, पुदीना जो आपको पसंद हो वो डाल सकते हो। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।